एल्फा एजुकेशन असलकम स्टूडेंट्स वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल एल्फर एजुकेशन उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे तो स्टूडेंट्स आज हम सीमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ मीनिंग आज हम मीनिंग के टाइप्स को पढ़ेंगे कि मीनिंग की कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स को हम डिफ़ाइन करेंगे ये आज का लेक्चर डिलीवर हो रहा है थ्रू एल्फ एजुकेशन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा हो तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मीनिंग तो टाइप्स ऑफ मीनिंग सबसे पहले हम मीनिंग को डिफाइन करते हैं इन इनसेमेटिक्स मीनिंग रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस एंड लार्जर यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज समेटिक्स में मीनिंग किसे कहते हैं मीनिंग रेफर टू द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन लफ्ज़ों के फ्रेजेस के और सेंटेंसेस की आ, समझ बूझ और उसकी वजाहत यानी वर्ड को समझना उसकी वजाहत करना फ्रेजेस को समझना सेंटेंसेस को समझना उसको अंडरस्टैंड करना और उसको इंटरप्रेट करना इस चीज़ को कहते हैं मीनिंग और इसी के साथ साथ लार्जर यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज उनको भी समझना उनके अंडरस्टैंडिंग और उनकी इंटरप्रिटेशन को भी सिमेंटिक्स में मीनिंग कहते हैं तो मीनिंग के टोटल सेवन काइंड हैं सबसे पहला है डेनोटेटिव और कंसेपचुअल मीनिंग दैन कॉनोटेटिव मीनिंग कोलोकेटिव मीनिंग थीमेटिक मीनिंग सोशल मीनिंग रिफ्लेक्टिव मीनिंग एंड अफेक्टिव और इमोटिव मीनिंग स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर थोड़ा सा शायद लेंथी हो जाए तो आप ध्यान से सुने ताकि आपको मीनिंग के हर एक टाइप विद एग्जांपल्स समझ आ जाएँ तो सबसे पहला है डेनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग को कंसेप्चुअल मीनिंग भी कहते हैं डेनोटेटिव मीनिंग इज द बेसिक प्रोपोजिशनल मीनिंग दैट करिस्पॉन्ड्स टू द प्राइमरी डिक्शनरी डेफिनेशन डेनोटेटिव मीनिंग क्या है कि जो वर्ड की बिल्कुल बेसिक प्रोपोजिशनल मीनिंग होती है जो उसकी डिक्शनरी डेफिनेशन के साथ कॉरेस्पॉन्ड करती है उसको हम कहते हैं डेनोटेटिव मीनिंग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंसेप्चुअल और कोग्नेटिव मीनिंग कंसेपचुअल मीनिंग इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड इंडिकेटिंग द आइडिया और कंसेप्ट टू विच इट रेफर्स सिंपल सी बात ये कि डेनोटेटिव मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग या फिर किसी भी वर्ड की एक्चुअल या फिर लिटरल मीनिंग को कहते हैं यानी जिस वर्ड का असल जो मतलब है असल के जो उसकी मीनिंग है वो मीनिंग कहलाते हैं डेनोटेटिव या फिर कंसेपचुअल चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है नीडल की तो अगर नीडल की मीनिंग को हम देखें तो नीडल क्या है उसको हम कहते हैं कि वो थिन शार्प है और वो एक इंस्ट्रूमेंट है इसी तरह अगर हम बॉय के बिल्कुल लिटरल मीनिंग को देखें तो बॉय एक ह्यूमन है उसका जेंडर मेल है और उसकी एज को अगर हम देखें तो वो एडल्ट नहीं है मतलब वो यंग है तो डेनोटेटिव मीनिंग या फिर कंसेप्चुअल मीनिंग बेसिक या फिर डिक्शनरी मीनिंग को कहते हैं लिटरल मीनिंग को कहते हैं और एक्चुअल मीनिंग को कहते हैं सेकेंड टाइप है हमारे पास कॉनोटेटिव मीनिंग कॉनोटेटिव मीनिंग रेफर्स टू द इमोशनल और सब्जेक्टिव एसोसिएशन दैट अ वर्ड कैरीज कॉनोटेटिव मीनिंग किसे कहते हैं यानी एक वर्ड अपने साथ जो एक इमोशनल या फिर एक सब्जेक्टिव एसोसिएशन कैरी करता है उसे हम कहते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग इसकी नेक्स्ट uh, देखते हैं कि इट इंक्लूड्स एम्प्लाइड और सजेस्टेड मीनिंग्स दैट मे नॉट बी स्टेटेड स्टूडेंट्स अक्सर हमने अल्फाज के साथ काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारी मीनिंग्स को हमने जोड़ा होता है हम एक वर्ड के साथ कुछ ऐसे मीनिंग जोड़ देते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग्स गो बियड एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज़ कानोटेटिव मीनिंग जो होते हैं ये वर्ड के एक्चुअल मीनिंग के बियॉन्ड होते हैं मतलब अगर कोई वर्ड है और उसके कोई एक्चुअल मीनिंग है और लेकिन हम उसको क्वानिटेटिव मीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे हम उसके इमोशनल या फिर जो हमने एक सब्जेक्टिव एसोसिएशन की है उसके साथ हम उस मीनिंग पे जाएंगे असल में मीनिंग को एसोसिएटिव मीनिंग भी कहते हैं क्योंकि वर्ड के साथ जो हमने एसोसीशन जोड़ी होती हैं जो हमने वर्ड के साथ मुख्तलिफ तरह के मीनिंग जोड़ी होती हैं उन्हें हम कहते हैं कानोटेटिव मीनिंग फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट है तो आपने देखा होगा कि नाइट को अक्सर पोइट्री में ईवल के लिए रेफ़र किया जाता है ईवल के लिए नाइट को यूज़ किया जाता है इसी तरह अगर गर्ल है तो अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव हो कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो हम कहते हैं कि वो उसकी नेचर जो है वो गर्ल्स की तरह है या फिर हम कहते हैं कि इसमें लड़कियों की तरह हरकतें हैं या फिर उसकी नेचर जो है वो लड़कियों की तरह है, अगर वो इंसान ज़्यादा सेंसिटिव हो या फिर इमोशनल हो इसी तरह स्नैक स्नक आपको पता है कि अक्सर हमारे यहाँ कुछ ये ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि आपके कुछ दोस्त जो आपको धोखा दे देते हैं या फिर जो आपके साथ मुखल नहीं होते हैं, तो बाद में लोग कहते हैं कि लाइक like, मैंने फ्रेंड नहीं मैंने स्नैक पाले थे तो ये उसी सेंस में हम कॉनोटेटिव मीनिंग यूज़ करते हैं कि स्नक को डिसीड या फिर ट्रैक्री के लिए हम यूज़ करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मीनिंग है कॉलोकेटिव मीनिंग कोलोकेटिव मीनिंग इज़ द मीनिंग दैट अ वर्ड एक्वायर्स इन द कंपनी ऑफ अ सर्टन वर्ड्स एक वर्ड मुख्तलिफ वर्ड्स की कंपनी में जो मीनिंग एक्वायर करता है उसे हम कहते हैं कोलोकेटिव मीनिंग यानी क्या होता है वर्ड्स कोलोकेट और को कोअकर विध सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स ओनली अक्सर वक़्त हमारे पास ऐसा होता है कि एक वर्ड कुछ ख़ास तरह के वर्ड के साथ फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है या फिर फ्रिक्वेंटली अकर करता है को अकर या फिर कोलोकेट मतलब कोलोकेट का मतलब कि उसके साथ लोकेट करता है उसके साथ एग्जिस्ट करता है तो वो मीनिंग जो कि एक वर्ड दूसरे वर्ड्स की कंपनी में रह के एक्वायर करे उसे हम कहते हैं कोलोकेटिव मीनिंग और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो आ, बिग बिग बिजनेस अब आपने ये नहीं सुना होगा कि ग्रेट बिजनेस या फिर लार्ज बिजनेस तो बिजनेस के साथ बिग ही आ सकता है तो यानी ये, ये दो वर्ड आपस में कोलोकेट करते हैं इसकी फर्दर एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं द वर्ब मेक ऑफन कोलोकेट्स विद स्पेसिफिक नाउन फ्रेजेस अब ये जो वर्ब है मेक ये अक्सर नाउन फ्रेजेस के साथ आ, आता है जैसे कि मेक अ डिसीजन और उसके बाद मेक एन एफर्ट अब इसी तरह जो एजेक्टिव है स्ट्रॉग ये एक एजेक्टिव है जो स्ट्रॉन्ग ये वर्ड है ये एक एजेक्टिव है और ये आता है स्ट्रॉग कॉफी स्ट्रोंग विंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गूमेंट ये कोलोकेटिव मीनिंग की एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं अब हमारे पास है नेक्स्ट थीमेटिक मीनिंग नाम से ही जाहिर है कि वो मीनिंग जो कि किसी सेंटेंस अट्रेंस या वर्ड के थीम को डिफाइन करे। थीमेटिक मीनिंग इन सेमेंटिक्स रेफर टू द अंडरलाइंग मैसेज टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर कन्वेड बाई वर्ड फ्रेज और सेंटेंस थीमेटिक मीनिंग क्या है यानी जो आपका वर्ड है जो आपका फ्रेज है या फिर जो आपका सेंटेंस है उस वर्ड फ्रेज़ या सेंटेंस के अंडरलाइंग मैसेज क्या है यानी आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपका टॉपिक क्या है आपका सब्जेक्ट मैटर आप क्या चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं ओवरऑल जो मीनिंग होती हैं ओवरऑल जो थीम होता है किसी भी वर्ड फ्रेज और सेंटेंस का वो हमारे पास इंक्लूड होती हैं थीमेटिक मीनिंग में इट फोकसेस ऑन द सेंट्रल आइडिया और मेन थीम दैट इमर्जेस फ्रॉम द लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन एक लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन या फिर एक सेंटेंस या फिर एक अटरेंस से जो मेन थीम या फिर जो सेंट्रल आइडिया इमर्ज करता है उस पर थीमेटिक मीनिंग फोकस करती है यानी थीमेटिक मीनिंग किसी भी लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के मेन थीम या फिर सेंट्रल आइडिया पे फोकस करती है इसके एग्जांपल्स में हम देखते हैं द वर्ड लव अब लव जो है इसमें हमारे पास थीमेटिक मीनिंग क्या है ये वर्ड जो है ये थीमेटिक मीनिंग कैरी करता है अफेक्शन की डीप इमोशनल अटैचमेंट एंड केयर बिटवीन इंडिविजुअल यानी कहीं पे अगर हम लव का वर्ड सुने तो हमारे माइंड में जो थीम बनता है वो बनता है अफेक्शन का डीप इमोशनल अटैचमेंट एंड केयर बिटवीन इंडिविजुअल इसी तरह ये दो एग्ज़ाम्पल्स आप देखें कि मिसिज स्मिथ डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज और सेकेंड सेंटेंस में लिखा है द फर्स्ट प्राइज वॉज डोनेटेड बाई मिसिज स्मिथ अगर आप पहले सेंटेंस में देखें तो इसकी थीमेटिक मीनिंग क्या बनते हैं कि मिसिज स्मिथ डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज़ यानी हु डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज़ ये इंपॉर्टेंट है सेंटेंस नंबर वन में और इसी तरह वट डिड मिसिज स्मिथ गेव इज़ इम्पोर्टेंट इन द सेकेंड सेंटेंस तो पहले सेंटेंस के में मेन चीज़ क्या है जो इसका मेन थीम है वो क्या है कि मिसिस मतलब किसने ये फर्स्ट प्राइज डोनेट किया तो वो है मिसिज स्मिथ हु डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज और इसी तरह सेकेंड सेंटेंसेज में uh, जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि वर्ड डिड मिसेज स्मिथ गेव इज इंपॉर्टेंट तो इस तरह फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर चेंज होने से इसके थीमेटिक मीनिंग चेंज हो गए अब हमारे पास है रिफ्लेक्टिव मीनिंग रिफ्लेक्टिव मीनिंग अराइजेज वेन अ वर्ड हैज मोर देन वन कंसेपचुअल और मल्टीपल कंसेप्चुअल मीनिंग सिंपल सी इसकी इसका कंसेप्ट है कि रिफ्लेक्टेड मीनिंग उस मीनिंग को कहते हैं जब एक वर्ड के एक से ज्यादा एक या फिर एक से ज़्यादा कंसेपचुअल मीनिंग हो यानी जब किसी वर्ड के एक से ज़्यादा या फिर मल्टीपल कंसेपचुअल मीनिंग हो कंसेपचुअल मीनिंग आपको पता है कि डेनोटेटिव मीनिंग को कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग को यानी जब किसी वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग बनते हो तो फिर वो रिफ्लेक्टेड मीनिंग बन जाते हैं इन सच केसेज वाई रिस्पोंडिंग टू वन सेंस ऑफ द वर्ड वी पार्टली रिस्पोंड टू अनदर सेंस ऑफ द वर्ड टू यानी ऐसे केसेज में जब एक वर्ड के ज़्यादा कंसेपचुअल मीनिंग होते हैं तो जब हम एक सेंस ऑफ वर्ड की तरफ मतलब एक वर्ड के एक सेंस की तरफ हम रिस्पोंड कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ हम उसके दूसरे सेंस की तरफ भी रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं इसकी एग्जाम्पल्स देखें कि अगर इंटरकोर्स अगर आप कहीं पे लफ्ज़ सुने इंटर कोर्स तो ये फ़िज़िकल रिलेशन दो बंदों के बीच में जो फिज़िकल रिलेशन होता है उसको हम इंटरकोर्स कहते हैं और इसी तरह ये कम्युनिकेशन के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है इसी तरह ब्लैक का वर्ड एफ्रिकन्स और ब्लैक कलर के लिए भी यूज़ होता है स्प्रिंग का जो वर्ड है ये सीज़न के लिए और वाटरफॉल के लिए भी यूज़ होता है अब नेक्स्ट हमारे पास है सोशल मीनिंग द मीनिंग कन्वेड बाई द पीस ऑफ लैंग्वेज अबाउट द सोशल कॉन्टेक्सट ऑफ इट्स यूज इज़ कॉल्ड सोशल मीनिंग यानी वो मीनिंग जो कि किसी पीस ऑफ लैंग्वेज से कन्वे हो किस बारे में उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में यानी द मीनिंग कन्वेड बाई द पीस ऑफ लैंग्वेज वो मीनिंग जो कि पीस ऑफ लैंग्वेज से कन्वे हो अबाउट द सोशल कॉन्टेक्ट्स ऑफ इट्स यूज़ यानी किसी भी पीस ऑफ लैंग्वेज को अगर हम उसके सोशल कॉन्टेक्ट्स के मुताबिक यूज़ करें तो वो हमारे पास क्या बन जाती हैं सोशल मीनिंग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टाइलिस्टिक मीनिंग इट इज़ कंसर्नड विद सोशल सर्कमस्टानस इसको स्टाइलिस्टिक मीनिंग भी कहते हैं और ये सोशल सरकमस्टांसिस के साथ कंसर्न करती हैं Uh, uh, इसके, इसके बारे में हम ये भी कहते हैं कि सेम 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 थिंग इन डिफरेंट वेज इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि हम एक ही चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज़ में कहते हैं जब हम सोशल मीनिंग का कंसेप्ट लेते हैं जैसे कि अगर कोई इंसान मर जाए तो हम कहते हैं ही डाइड या फिर हम कह देते हैं ही एक्सपायर्ड या फिर कह देते हैं ही इज़ नो मोर इसी तरह एक सेंटेंस आई हैवन गॉट अ नाइफ़ अगर हम इस सेंटेंस को बिल्कुल आइसोलेशन में देख लें सोशल कॉन्टेक्स से हट के तो इसकी एक सिंपल मीनिंग है कि आई हैवेंट गॉट अ नाइफ़ लेकिन अगर यही सेंटेंस कोई किसी वेटर से कहे तो इसका मतलब वो बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है नाइफ के लिए कि मेरे पास नाइफ नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे नाइफ ला के दे दें तो इस तरह एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब हम एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं हमारे पास आखिरी जो टाइप है मीनिंग की वो है अफेक्टिव या फिर इमोटिव मीनिंग फॉर सम लिंग्विस्ट इट रेफर टू द इमोटिव एसोसिएशन और इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ड्स एवोक्ट इन द रीडर और लिसनर ज़्यादातर लिंग्विस्ट के लिए इमोटिव मीनिंग जो है वो क्या है कि ये इमोटिव एसोसिएशन है और या फिर वो ये कहते हैं कि जो वर्ड्स के इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं रीडर या फिर लिसनर की पर्सनैलिटी में या फिर उनके माइंड में या फिर रीडर या फिर लिसनर में जो इफेक्ट्स पैदा होते हैं वर्ड्स के उनको हम इमोटिव मीनिंग में इंक्लूड करते हैं इट वर्ड्स इट इज़ वट कन्वेड अबाउट पर्सनल फीलिंग्स और एटीट्यूड टवर्ड्स द लिस्नर यानी इमोटिव मीनिंग में क्या होता है कि ये ज़्यादातर हंसान इन, के पर्सनल फीलिंग्स के बारे में या फिर उसका जो एटीट्यूड है लिसनर की तरफ इसके बारे में हमें एक्सप्लें करते हैं इसी तरह इसके एग्जाम्पल देखें आई हेट यू एडियट अब यहाँ पर अगर हम इसके इमोटिव मीनिंग देखें तो ये जो स्पीकर है उसका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है लसनर की तरफ इसी तरह प्लीज़ लोअर योर वॉइस अब यहाँ पे स्पीकर जो है वो पोलाइट है तो हम इमोटिव मीनिंग में क्या देखते हैं कि हम एक स्पीकर की पर्सनल फीलिंग या फिर उसका एटीट्यूड टूवर्ड लिसनर देखते हैं स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें जितना आप कर सकते हैं इस लेक्चर को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे तब तक अपना ढेर सारा ख्याल